जन्मदिन के जश्न में हुड़दंग, कार की बोनर पर रखकर केक काटा, फिर हवा में फायरिंग, दहशत में रही सोसाइटी। अपनी खुशी के जश्न में कुछ लोग इतना बहक जाते हैं कि दूसरों की सुरक्षा की भी परवाह नहीं करते। ऐसा ही कुछ हुआ नोएडा की पैरामाउंट इमोशंस सोसाइटी में, जहां जन्मदिन के जश्न के दौरान कुछ युवकों ने खूब हुड़दंग मचाया, जिससे पूरी सोसाइटी काफ़ी देर तक दहशत में रही। दरअसल सोसाइटी के मेन गेट पर कुछ युवक जन्मदिन का जश्न मनाने के लिए इकट्ठा हुए थे। उन्होंने पहले आधा दर्जन से ज़्यादा केक एक कार पर रखकर काटा, इसके बाद बर्थडे बॉय को केक लगाया। इसी जश्न के बीच एक शख्स ने अपनी बंदूक निकाली और हवा में फायरिंग शुरू कर दी। हर फायरिंग के साथ जश्न मनाते युवा शोर मचाते और खुशी मनाते, लेकिन पूरे समय सोसाइटी के लोग काफ़ी डरे सहमे रहे। इसका एक वीडियो जब एक शख्स ने ट्विटर पर डाला तो नोएडा पुलिस ने इसका संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी। जांच के बाद पुलिस ने दो युवकों को उनकी लाइसेंसी बंदूक के साथ गिरफ्तार कर लिया है। पैरामाउंट सोसाइटी है, वहाँ कुछ लोग बर्थडे बना रहे थे। इन लोगों के कहने पर वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड ने दो असला से फायरिंग किए थे। ये दोनों को अभी गिरफ्तारी करके जेल भेजा जा रहा है। इन लोगों के कब्जे से दो लाइसेंसी वेपन भी बरामद किए। इसको लाइसेंस कैंसिलेशन करने के लिए अभी प्रक्रिया शुरू की गई है। और जो भी लड़के के कहने पर ये दोनों फायरिंग किए थे, उन लोगों का नाम भी प्रकाश में आया है। इन लोगों को भी जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करके जेल भेजा जाए। कसौटी वक्त की है, हौसलों को खोल के रख, दौड़ना है तुझे ऊंचा परों को खोल के रख। कसौटी